अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक ठाक हैं। और सुबह हो गई है और शाफ़ी साहब जो हैं वो अपने बिस्तर में सोए हुए हैं। पहले कंबल ओढ़ा है, फिर उन्होंने रजाई ऊपर ओढ़ी है, और इधर जो है अब्दुल्ला सोया हुआ है, और ये हमारा बिस्तर था। तो वो देखें, हम ना उठ तो गए, अभी चीज़ें नहीं समेटी, तो इस तरीके से हम सोते हैं। और खलारा देखें कि किस कदर होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं। उससे पहले पहले इंशाल्लाह मैं ये समेट लूँगी, लेकिन होता बहुत ज़्यादा डेली रूटीन में ही यही है कि बिस्तर समेटना बहुत बड़ा एक काम होता है, उसको ठिकाने लगाना। और ये सफ़ेदी गिर रही है सोफ़ों के ऊपर, ऊपर से काफ़ी हद तक जो है ना वो दीवार ख़राब हो गई। इंशाल्लाह इसको भी अब जल्द ही रिकवर करवाएंगे, पेंट करवाएंगे इसको दोबारा। तो कपड़े हमारे यहाँ सूख चुके हैं और बर्तन भी, मैं सुबह की उठी हुई हूँ, बर्तन भी धुल चुके हैं। अभी बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही, कूड़ा पड़ा हुआ है इधर, लेकिन बाहर बहुत ठंड है। तो अंडा उबाल के मैंने इमरान के लिए रखा है, वो माशाल्लाह से मस्जिद गए नमाज के लिए, फजर की नमाज के लिए। और चने बॉयल करके मैंने रख लिए इस तरीके से, देखें इसमें छोटे छोटे आलू के पीस डाल के मैंने वाइट जो चने थे वो बॉयल किए, क्योंकि ये भी जो है ना मेरे बच्चों के फेवरेट हैं, तो आज मैं वही बनाने लगी हूँ। और यहाँ थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए मैंने रख दिया था, क्योंकि गैस आ रही थी, इसलिए सुबह सुबह सारा काम समेटा है। तो बस अब हांडी बनाऊंगी, उसके बाद बच्चों को नाश्ता दूंगी। आलू के पराठे बना के मैंने रख लिए, चाय बनानी है सिर्फ, तो वो तो सिलेंडर पे भी बन जाएगी। तो अब मेन काम जो है वो हमारा रह गया कि सालन तैयार करना। यहाँ प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन करने के लिए रख दिया है देखी में, जल्दी जल्दी मुझे काम करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे यही डर है कि गैस ना चली जाए। और अभी जैसे जैसे बच्चों के स्कूल जाने का टाइम नज़दीक आएगा, ज़ाहिर है सब ने अपने बच्चों को नाश्ता बना के देना, सब भी उड़ जाएंगे, तो फिर जनाब जो गैस है वो बिल्कुल लो हो जाएगी, जैसे मैंने कल आपको दिखाई थी। और सिलेंडर पे फिर मुझे रोटियां और खाना जो है वो बनाना पड़ा, और सिलेंडर पे मुझे बना हुआ खाना ना पसंद है, तो ना मुझे उसकी रोटी पसंद है, क्योंकि वो सही तरीके से मेरे से सिखाई नहीं होती। मे भी लोग उस पर बहुत अच्छे तरीके से कर लेते हैं, लेकिन मेरे से नहीं होती, तो मुझे जो है ना कम्फर्टेबल रहता है अपनी गैस के साथ। तो अल्लाह का शुक्र है इतनी एक आ रही है, इतनी चूल्हे के नीचे भी है। तो ये जो चने मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी, इसकी रेसिपी, ये मेरे बच्चों के फेवरेट चने, और माशाल्लाह वो बहुत शौक से खाते हैं। तो ये जैसे हलवा पूरी के साथ चने होते हैं वो वाले नहीं हैं, ये एक नई वैरायटी है, तो जनाब आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इसमें इतने कम मसाले डलते हैं, देखिए सिर्फ हल्दी डलेगी, मिर्च डलेगी लाल, और ज़ीरा डलेगा साबुत। तो नमक जो है वो मैंने चनों को उबालते वक्त उसमें ऐड कर दिया था, इसलिए दोबारा से हम नमक नहीं डालेंगे, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा जो वो तेज़ हो जाएगा। तो जैसे फ्राई होती है प्याज, तो फिर मैं इसमें मसाले ऐड करके मसाला भून के चने डाल दूँगी। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने लहसुन जो है वो ताज़ा ली। तो देखें व्यूअर्स, जो हमारा लहसुन है वो मैंने ताज़ा लहसुन लिया था, और उसको इस तरीके से जो है वो मैं कूट लूँगी, और इन मसालों को इसी में ऐड कर दूंगी, साथ थोड़ा सा पानी डाल के हम प्लेट को साफ करेंगे। और अब इसको इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, मसाला ना जले, बस अब इसकी भुनाई करेंगे। तो ये लहसुन आपको याद होगा कि मैं मंडी से इकट्ठा लेकर आई थी 1 किलो लहसुन, और मैंने छील के इसको तो फ्रीज़र कर लिया है। मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं ताज़ा लहसुन ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि जो मेरे घर में है ना सारे बच्चे भी और इमरान साहब भी, तो वो यही कहते हैं कि ताज़ा लहसुन में से ज़्यादा मज़े की खुशबू आती है, तो ताज़ा यूज़ किया करो बनिस्बत पेस्ट बनाने के। तो पेस्ट तो हम ख़वातीन बनाती हैं अपने काम को आसान बनाने के लिए, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर हांडी में आता है वो ताज़े लहसुन से ही आता है। और मसाला माशाल्लाह से भुनाई पर आ रहा है, तो जैसे ही ये तेल छोड़ेगा फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी चने, और जो हमने आलू के साथ उस उबाले थे, ये देखें इस तरीके से। तो बस इसको इसमें ऐड कर देंगे जैसे ही मसाला तैयार होता है हमारा। और इमरान साहब आ गए, अब मैं इमरान साहब का जो अंडा है ना तो वो निकाल के इनको छील के दूंगी। और अंडा छीलने का भी एक आपको तरीका बताती हूँ, इस तरह मैं डाल के इसको 2-3 दफ़ा इस तरह करती हूँ, और देखें कितने आसानी के साथ जो हमारा बॉयल अंडा है
वो छिलके छोड़ देता है। इसको अच्छे से साफ़ कर लें, छिलके वगैरह उतार लें। और जनाब ये इमरान का अंडा रेडी है, मैं इनको काला नमक देती हूँ, उसके साथ खाएंगे। ये छोटी मैं बड़ी भाभी ने ना पीस के रखा हुआ था काला नमक अजवाइन, तो ये इसके साथ बड़ा अच्छा फ्लेवर इसका आता है। तो जी मसाला देखें हमारा रेडी हो चुका है, अब बस हमने क्या करना है इसको उठा के इसमें डाल देना सारे के सारे को, और उसको अच्छे तरीके से पकने देना है। कुकर बहुत बड़ा था, छोटे कुकर के मेरे ना जो ये हैंडल होते हैं ना वो दोनों टूटे हुए हैं, तो वो इमरान को टाइम नहीं मिल रहा कि वो लगवा सकें उसको, तो इस वजह से मुझे इतने बड़े कुकर का सहारा लेना पड़ता है। थोड़ी सी भी चीज़ पकानी है तो वो इतना बड़ा जो है वो मैला हो जाता है। इसको हिलाते हैं अच्छे से और इसको पकने के लिए रख देंगे। ढक्कन को ढक देते हैं, अब इसको 5 से 10 मिनट हल्की आंच पे पकने देना है, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे चने जो हैं वो कैसे रेडी होते हैं। चनों को पकते हुए अब हो गए तकरीबन 5 से 7 मिनट, और ये देखिए हल्की आंच, इतनी हल्की आंच पे ही मैंने रखा क्योंकि गैस ऑलरेडी ये हो गई है हल्की सी बिल्कुल, तो वैसे भी मैंने इसको हल्की आँच पर रख दिया था क्योंकि अभी तो नहीं चाहिए, बच्चों ने नाश्ता तो लेट करना है। तो इसके ऊपर काला काला जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने डाली है कलवंजी, कलवंजी के बीज आपको कहीं भी पंसार स्टोर से मिल जाएंगे, तो वैसे भी ये सुन्नत नबी है खाने में इस्तेमाल किया करें, तो मैं थोड़ी सी चुटकी ना चनों में डाल देती हूँ ये। तो अभी मैं इसको थोड़ा सा ना और थिक करूँगी क्योंकि मुझे ये अभी पतले लग रहे हैं, ग्रेवी जो है ना इसकी गाढ़ी गाढ़ी अच्छी लगती है। देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है, लेकिन अभी इसमें पानी ज़्यादा है। गैस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और अब मैंने रख दी है चाय। शाफे साहब उठ गए हैं, आपी की वैन बहुत लेट आई तो टाइम का कुछ पता ही नहीं चला, मैं बस वही वेट करती थी कि बस वैन आएगी ये जाएगी तो फिर मैं बच्चों को नाश्ता देती हूँ, तो वो ऑलरेडी वैन लेट आई क्योंकि ओस बहुत ज़्यादा है, मौसम बहुत ख़राब है, तो इस वजह से बच्चों की सेफ्टी के लिए वैन वाले भी जो है ना वो ज़रा लेट ही निकलते हैं क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट है, तो ये तो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, हमारे अपने बच्चों की सेफ्टी है ये। तो चाय मैंने रख दी है, चाय को उबाल आ गया है, थोड़ी देर में इसको 2 से 3 मिनट और पकने दूंगी ताकि अच्छे तरीके से इसका कलर आ जाए। और जो चने थे हमारे वो रेडी हो चुके हैं और माशाल्लाह उनका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो अब देर हो रही है मुझे, तो मैं इसको यहीं पर छोड़ूंगी क्योंकि ये दोपहर को यूज़ होने अभी नहीं, वैसे रेडी हो चुके हैं बन के। ये देखें कुछ लाइट काम है यहाँ पे, तो ये तो पहले तो यूज़ होने हैं अभी नहीं, इसलिए मैं इसको यहीं छोड़ूंगी, बाद में आके इसमें धनिया और हरी मिर्चें काट के डालूंगी। आलू के पराठे बच्चों के लिए बनाए हुए हैं, बस चाय को और 2-3 उबाल दे के इसका चूल्हा करेंगे बंद और फिर नाश्ता देती हूँ मैं बच्चों को। शाफे को बहुत लेट हो गया आज, तो चाय हमारी रेडी हो गई है और शाफे नाश्ता कर रहा है, शाफे को काफ़ी लेट हो गया तो जल्दी जल्दी मैंने उसको नाश्ता दिया है। असल में आज ज़रा जल्दी इस वजह से क्योंकि मैंने अम्मी के घर जाना और जाना भी इमरान के साथ है, तो वो मुझे छोड़ जाएंगे अम्मी के घर और वापसी पे ऑफिस से वापसी पे ले लेंगे, तो दोपहर के टाइम तकरीबन मैं आऊँगी 3-3.5-4 बजे। तो इस वजह से ना मुझे ये था कि मैं सालन बना के बच्चों के लिए रख दूं ताकि रोटी बाज़ार से ले लेंगे या नाया आके बना लेगी। तो अम्मी के घर हफ्ते को दावा थी, छोटी भाभी ने थोड़ा सा लकड़ी का काम करवाया है किचन में, कैबिनेट वगैरह बनवाए, कुछ दरवाज़ा वगैरह चेंज किया है, तो वो कह रही थी कि मैंने सबको बुलाया तो बाजी आप भी तीनों बहनें आ जाइएगा, तो मेरा ज़रा मुश्किल होगा हफ्ते को जाना। मैंने कहा मैं आज ही चक्कर लगा के तो उसको मुबारकबाद दे आऊँ और साथ में आपको भी विज़िट करवाऊँगी कि उन्होंने कैसी चेंजिंग की है, पहले किचन अम्मी का आपने देखा हुआ है तो अब उन्होंने कैसा बनाया है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी वीडियो। बच्चों को नाश्ता दे के अब मैं तैयार हो गई, अब आया मैंने पहन लिया है और इस तरीके से तैयार हुई हूँ। बाहर बहुत ठंड है, उसके ऊपर मैं शॉल लूँगी मोटी वाली तो फिर निकलूँगी क्योंकि बाहर बहुत सर्दी है। तो अम्मी की तरफ जा रही हूँ इंशाल्लाह 2-3 बजे तक, फिर मैं वापस आऊँगी, तब तक इमरान अपने काम से फारिग होंगे तो वापसी पे फिर वो मुझे ले लेंगे।
तो बच्चों को किसी को भी साथ नहीं ले जा रही क्योंकि बहुत सर्दी है, तो बड़े बंदे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों के लिए तो फिर बहुत मसला हो जाता है। तो देखें, मैंने जो है मास्क वो लगाना मैं भूल गई थी, तो फिर उसके बाद मैंने ऊपर से इस तरीके से लगाया, तो इमरान मेरा मजाक उड़ा रहा है, कह रहा है नया तरीका इजाद करती। मैंने कहा इस तरीके से भी लगता है, तो देखिए कोई बुरा लग रहा है ये। देखें व्यूअर्स, मेरी अम्मी के घर में स्नो फॉलिंग हो रही है कितनी प्यारी लग रही है बर्फ़ गिरती हुई कमरे के अंदर। और ये मेरा जो भतीजा है, हाथ आगे करो, किससे कह रहे हो दिखाओ, ये देखे इससे कह रहा है ये। देखें व्यूअर्स, अम्मी के घर से मैं वापस भी आ गई हूँ और मुझे रास्ते में इमरान ने गिफ्ट दिलाया। तो कल मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी ब्लैंकेट में, हालांकि मेरा जो कंबल है वो बहुत मोटा है, 2 प्लाई का है ये, तो फिर भी मुझे उसमें सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो आज इमरान ने मुझे रास्ते में से फिर ये दिलाई, रज़ाई, विकी रज़ाई। तो ये इंशाल्लाह, इमरान खोल के दिखाएं, इसका माशाल्लाह स्टफ भी बहुत प्यारा है, खोल के दिखाएं। और कलर भी मेरी पसंद का लिया है इमरान ने, बहुत प्यारा, मुझे बहुत पसंद आया, थैंक यू। ये देखें कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, लाइट सा जो है ना स्काई कलर है। इसके ऊपर कवर चढ़ाना पड़ेगा, आप फाड़ दें ऐसे खोल लें। हाँ मेरा ख्याल है इसके बने हुए कवर शायद मिलते हैं। देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी है ये। अनाया के ऊपर डाल अनाया सॉरी अनाया के ऊपर डाल दें, अनाया जुमा पढ़ के तो सो चुकी है। इस तरीके से ऐसे सीधी है। चलिए जी, ये देखिए जो नीचे हमारा जो है वो ब्लैंकेट होगा और ऊपर इस तरीके से ना हम लोग ऐसे कवर कर लिया करेंगे इसको। तो मुझे कलर बहुत पसंद आया, माशाल्लाह अल्लाह ताला हमें नसीब करे। देखें कितना प्यारा है। देखें जनाब मैंने किचन में क्या किया, मैंने किचन में गद्दा पड़ा हुआ था एक, ये काफ़ी पुराना गद्दा है और मेरे अब्बू के दौर का, और ये वैसे ही घर में फालतू था तो मम्मी ने मुझे दे दिया कि आप इस्तेमाल कर लेना। तो मैंने उसको ये फ्लोर के लिए असल में अब्बू ने बनवाया था, और कारपेट के ऊपर काफ़ी मोटी कारपेट हमारे रूम में बिछी हुई थी उसके ऊपर अब्बू ने ये बिछवाया था बनवा के, काफ़ी मोटी रुई का है ये और काफ़ी गर्म है, तो ये ओढ़ने वाला नहीं है, बिछाने ही वाला था फ्लोर के ऊपर। तो इस तरीके से मैंने उसको चटाई के ऊपर बिछाया ताकि वो गंदा भी ना हो, और उसके ऊपर बिछा ली इधर चादर। तो जनाब यहाँ पर नाश्ता करने के लिए हमारे बहुत परफेक्ट जगह बन गई है, और बाहर से इस तरीके से मैंने चादर लगा ली है क्योंकि मुझे ना भी कोई समझ आ रही थी कि शॉपर किस तरह लगेगा, ना समझ आ रही थी कि पर्दा किस तरीके से लगेगा। तो मैंने बस ये एक खुद से दिमाग लड़ा के इतना किया है और बहुत अच्छी एक जगह बन गई है। देखें चादर छोटी थी, चादर यहाँ तक आई, आगे चादर नहीं आई, और आराम से मैं यहाँ खड़े होकर किचन का काम भी कर सकती हूँ, सर्दी भी नहीं लगेगी, अंदर बिल्कुल गर्म हो गया अब। और सारी साफ़ सफाई मैंने कर दी है, दूध भी पका लिया है, चाय भी बन गई है हमारी, और इमरान अभी सो रहे हैं, अनाया भी सो रही है, और असर की अजान हो गई है, बस अब मैं उठाती हूँ उनको और हम लोग पियेंगे जब तक चाय, एक कप मेरा और एक कप शापे का, छोटा कप शापे का, बड़ा कप मामा का। तो ये थी जनाब मेरे सारा दिन की जो रूटीन थी, जो काम थे, जो सुबह से लेके शाम तक मैंने सर अंजाम दिए। और मेरा ख़्याल है घर की हर औरत, चाहे वो हाउसवाइफ हो या काम करती हो, जॉब कर रही हो कहीं पे भी, तो उस मेरी बहन को ज़रूर घर के काम तो लाजमी करना पड़ेंगे, क्योंकि ये तो मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी जब जॉब करती थी तो इसी तरीके से सुबह उठ के सारा नाश्ता वगैरह देके बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, फिर उनके दोपहर का सारा इंतज़ाम करके जाना, फिर शाम के लिए आके दोबारा से काम करना, बहुत जो है वो मुश्किल काम है ख़वातीन के लिए, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला हम तमाम ख़वातीन को हिम्मत दे, हम अच्छे तरीके से अपने जो काम है वो सर अंजाम देते रहें। तो बस इसी तरीके से ज़िंदगी का नाम है, ज़िंदगी एक दिन ख़त्म हो जाएगी और जब हम ख़त्म होंगे तो ये काम फिर भी नहीं रुकेंगे, हमारी जगह बस कोई और ले लेगा और ये काम होते ही रहेंगे।
इसी तरीके से बस दुनिया जो है वो चल रही है। तो ये छोटा सा व्लॉग मैंने बनाया था, छोटा नहीं, काफ़ी लंबा मे भी हो गया, मैंने भी चेक नहीं किया, बस सुबह से जो करती रही हूँ आपके साथ शेयर करती रही हूँ। इवन कि अम्मी के घर गई तो कैबिनेट मैंने आपको दिखाने थे और बेड दिखाना था, तो वो मैं इसमें ऐड नहीं कर सकी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा जो था ना वो काम उनका रहता था और काम वाले घर में आए हुए थे, तो वो पॉसिबल नहीं था कि मैं वहाँ से पिक्स वगैरह लेती या वीडियो बनाती, मुझे अच्छा नहीं लगा। तो वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, मे बी आज रात तक वो सारी रात लगा के काम करेंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। और सुबह भाभी ने दावत रखी हुई है तो मैं उनसे एक्सक्यूज़ कर रही हूँ, मैं सुबह नहीं जा सकूँगी, तो मैं आज ही हो आई हूँ उनकी तरफ, तो फिर वो मुझे पिक्स भेजेंगी या मेरा नेक्स्ट जब भी चक्कर लगेगा तो इंशाल्लाह मैं आपसे वो ज़रूर शेयर करूँगी। उन्होंने काफ़ी प्यारा बेड भी बनवाया और बेड इतना ऊंचा बनवाया कि उनके नीचे उन्होंने काफ़ी कैबिनेट बनाए जिसमें बच्चों की जो तमाम चीज़ें, कपड़े, टॉयज़ वगैरह जितने थे वो सारे उसमें एडजस्ट हो गए। फिर किचन का थोड़ा सा उन्होंने काम करवाया तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और अल्लाह ताला उनको हंसना बसना खुशी से नसीब फरमाए, उन्हें नसीब करे तमाम चीज़ें इस्तेमाल करना। हर इंसान की यही कोशिश होती है कि अपने घर को अच्छे से अच्छा और साफ़ सुथरा रखे, तो उन्होंने भी एक छोटी सी कोशिश की, अल्लाह ताला उनको कामयाब करे। तो जनाब नेक्स्ट जब भी अम्मी के घर गई तो इंशाल्लाह मैं आपको उनका विज़िट ज़रूर करवाऊँगी, शेयर करूँगी वीडियो बाकायदा। अगर वहाँ से ना विज़िट करवा सकी तो मैं शूट करके ले आऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी कि कैसा बनाया उन्होंने बेड। तो अच्छा आइडिया है, हम लोग भी कर सकते हैं इस तरीके से, आप लोगों में से भी जिनके पास स्पेस कम हो वो इस तरीके से कर सकते हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।